गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, हम पढ़ रहे थे चैप्टर एट और चैप्टर एट था हमारा कम्युनिटी ईटिंग। तो कम्युनिटी ईटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई विशेष समारोह होता है या कोई विशेष अवसर होता है उसमें जब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ईटिंग। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कम्युनिटी मील्स के बारे में बात करी थी और फिर उसके बाद में हम लोगों ने लंगर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बोर्डिंग स्कूल। इन अ बोर्डिंग स्कूल द स्टूडेंट्स नॉट ओनली स्टडी बट आल्सो सर्व्ड फूड एंड लॉजिंग। इसका मतलब ये है कि जो बोर्डिंग स्कूल होता है उसमें केवल विद्यार्थियों को पढ़ाया ही नहीं जाता है अपितु उनके खाने और रहने की भी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो जो बोर्डिंग स्कूल होता है उसमें पढ़ाने के साथ साथ वहीं पर उन्हें खाना और रहने की व्यवस्था उनको उपलब्ध कराई जाती है। द फूड इज़ कुक्ड इन अ कॉमन किचन, कि इनका जहाँ पर खाना बनता है उसके लिए केवल एक ही किचन होता है और एक ही किचन में सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बनता है। ठीक है, और जो खाना परोसा जाता है उसका एक फिक्स्ड टाइम होता है। ठीक है, मतलब डाइनिंग एरिया, मतलब जहाँ पे खाना खिलाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर ये स्टूडेंट्स आते हैं और वहीं पर इनका फिक्स टाइम होता है खाने का। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रंस गो एंड ईट टुगेदर, और वहाँ पर सभी बच्चे क्या करते हैं, एक साथ जाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। बात समझ में आ गया बोर्डिंग स्कूल के बारे में। फिर हम बात करते हैं मेस की। ठीक है, मेस इज़ ए प्लेस वेयर सोल्जर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ईट टुगेदर, कि मेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैनिक, कौन से सैनिक, सशस्त्र बल, ठीक है, एक साथ खाना खाते हैं। इट कैन बी अ टेम्प्रोरी और अ परमानेंट सेटअप। तो ये क्या होता है कि जहाँ पर इन्हें खाना खिलाया जाता है ये टेम्प्रोरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन सोशलाइजिंग द सोल्जर्स विद देयर फैमिलीज। इसका मतलब ये है कि यह अपने परिवार के साथ सैनिकों को सामाजिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो जब ये सोल्जर्स हैं जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जब एक साथ खाना खाते हैं तो इससे उनके परिवार के साथ साथ सैनिकों में सामाजिक बनने की जो भावना है, ठीक है, वो भी विकसित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सर्विंग मिड डे मील्स, कि जो मिड डे मील्स खिलाया जाता है, ठीक है, उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न टू शेयर एंड ईट टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपनी वस्तु का आदान प्रदान करना और एक साथ मिलकर खाना सीखते हैं। ठीक है, मिड डे मील से, तो मिड डे मील से क्या फ़ायदा है कि इससे जो बच्चे हैं वो अपनी वस्तु का क्या करते हैं, आदान प्रदान करना सीखते हैं और साथ ही साथ में एक दूसरे के साथ मिल बांटकर खाना भी सीखते हैं। इट इम्प्रूव्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है
ठीक है, वो तो इम्प्रूव होती है, ठीक है, साथ ही साथ उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, अर्थात पोषक तत्व मिलता है, जिसके कारण वो क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। इट लूर्स द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज टू कम टू स्कूल टू स्टडी। इसका मतलब कि जो मिड डे मील जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है स्कूल में, उससे ये फ़ायदा है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इस मिड डे मील के लालच से स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन हु कुक द मील्स, कि जो मिड डे मील, जब मिड डे मील बनाया जाता है, जब खाना बनाया जाता है, तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, खाना बनाने वाले की। तो इससे क्या होता है कि किसी एक औरत को क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है मिड डे मील का। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं स्पेशल फूड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। इसका मतलब क्या है कि जो विशेष त्यौहार होते हैं, ठीक है, उसमें विशेष प्रकार का भोजन बनता है या भोजन लोग खाते हैं, ठीक है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो क्या है, त्यौहारों का, त्यौहारों की भूमि है। भारत जो है वो क्या है, त्यौहारों की भूमि। हियर ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ पॉम्प एंड शो। इसका मतलब कि भारत में सभी प्रकार के जो त्यौहार हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दे आर अकम्पनीड बाई स्पेशल डिशेज प्रिपेयर्ड पर्टिकुलरली ऑन दोज डेज। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी त्यौहार होता है या कोई भी ओकेजन होता है, ठीक है, उस स्पेशल ओकेजन में स्पेशल डिशेज बनाए जाते हैं, ठीक है, अर्थात विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, और उसी व्यंजन के साथ वो जो त्यौहार है वो क्या किया जाता है, पूरा होता है, ठीक है, और उसी विशेष व्यंजन को खाकर वो त्यौहार को क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि विशेष त्यौहार पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और उस व्यंजन को खाकर ही वो त्यौहार क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट देम, ठीक है, जैसे गणेश चतुर्थी, ठीक है, तो गणेश चतुर्थी जैसे मोदक, गणेश चतुर्थी पे क्या बनता है, मोदक बनता है, ठीक है, और ये जो मोदक बनता है वो भाप से तैयार किया गया एक डिश होता है, और इसमें क्या होता है कि जो चावल है, ठीक है, वो चावल का पेस्ट होता है, और उस चावल के पेस्ट के अंदर कोकोनट और जैगरी, अर्थात नारियल और गुड़ दोनों होता है, ठीक है। तो उसकी जो आउटर जो कवरिंग होती है वो किससे होती है, चावल के पेस्ट से, और अंदर क्या होता है इसमें, कोकोनट और जैगरी, ठीक है। और क्रिसमस, क्रिसमस के दिन क्या बनता है, प्लम केक्स एंड फूडिंग। देखो यहाँ पे प्लम केक। इसी तरह से ईद, ईद में क्या बनता है, बिरयानी और सवैया। फिर गुरु पर्व, मलाई लड्डू और आटे का हलवा, ठीक है, ये गुरु पर्व के, गुरु जो पर्व होता है उस दिन ये डिश बनता है, कौन सा, मलाई लड्डू और आटे का हलवा।
देखो यहाँ पे मलाई लड्डू। फिर इसके बाद में होली, होली के दिन बनती है गुजिया और उत्तरी भारत में बनती है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। फिर इसके बाद में ओनम, और जो ओनम है ओनम कहाँ मनाया जाता है, केरला में, ठीक है। और यहाँ क्या बनता है, पायसम, कोट्टू, अवियल, ठीक है। तो ओनम के दिन केरला में पायसम, कोट्टू और अवियल ये डिश बनाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में बिहू, जो बिहू है वह कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है। और इस त्यौहार पर क्या बनाया जाता है, राइस केक्स, ठीक है, अर्थात चावल का एक केक बनाया जाता है, उसे एक बोलते हैं हम लोग पिट्ठा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है तीज, घेवर एंड चूरमा। तो तीज के दिन क्या बनता है, घेवर और चूरमा बनता है, जो कि राजस्थान में है ना। ये देखो ये रहा आपका घेवर। इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर इतनी विविधता होते हुए भी यहाँ एकता देखने को मिलती है, बात समझ में आई। अर्थात यहाँ पे विभिन्न धर्म, जाति, ठीक है, रंग आदि के लोग निवास करते हैं, इतनी विभिन्नता होते हुए भी यहाँ पर क्या पाई जाती है, यूनिटी अर्थात एकता देखने को मिलती है। इसलिए हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अर्थात विभिन्नता में एकता, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त होता है, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे एक्सरसाइजेस। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।